अभी तक आपने हमारा इलेक्ट्रिकल कैप्सूल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वैल्यूम रजिस्टिविटीज, मतलब रजिस्टिविटी का वैल्यूम कम यूनिट क्या होगा। तो आइए जानते हैं कैसे होता है। आप जानते होंगे आर बराबर होता है रो एल बाई ए से। यहाँ रो बराबर हो जाएगा आर ई इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूम रजिस्टिविटी की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे वैल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, गुणा और भाग दोनों कर देंगे। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है ओम, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक क्या होगा मीटर, वैल्यूम का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसका भी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखिए ये यम से एक यम कट जाएगा और बचा एक यम, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टोटल बचेगा आर का मात्रक क्या हो जाएगा ओम, ऊपर क्या बचा मीटर क्यूब, और नीचे क्या बचेगा ये एम स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा वैल्यूम रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन बात की गई, द टेस्ला इज द सेम है, टेस्ला का मात्रक क्या होगा। आप जानते होंगे होता है ये फार्मूला बी बराबर फाइव आई ए से, इसका मात्रक होता है वेबर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये होता है बी जो होता है फ्लक्स डेंसिटी होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये पहला होगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरीके मूव करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ए स्टोव एलिमेंट ड्रॉ 15 एम्पीयर करेंट में जब कनेक्टेड टू 230 वोल्ट लाइन, हाउ डज इट टेक टू कंज्यूम आर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब किसी स्टोव, जैसे मान लीजिए सपोज कोई ये क्या है स्टोव है, इसको हम क्या सप्लाई वोल्टेज से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट, और ये कितनी ले रही है करंट 15 एम्पीयर। तो ये पूछा है कितनी एनर्जी होगी 1 यूनिट में, कितना एनर्जी क्या होगी कंज्यूम होगी इस स्टोव के द्वारा। तो हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1000 वाट आवर, और जो पावर कंज्यूम होता है वो क्या होता है पी बराबर वी इंटू आई होता है पावर, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की बात किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो यूनिट के इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा वी आई टी बराबर यूनिट। तो यूनिट बराबर आप जानते ही हैं 1000 वाट आवर हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज दिया ही है 230 और करेंट भी दिया है 15 एम्पियर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में क्या होगा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे टाइम आप निकाल सकते हैं 1000 बटा, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.9 आवर। तो हमारा क्या होगा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ओम के क्रॉस करंट निकालना है हमको। तो ये देखिए वोल्टेज दिया 48 और करंट सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, ये 12 और ये 8, ये कितना हो जाएगा सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल अब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 8 20 ओम। और अब ये 20 और ये 20 किस केस में है पैरेलल के केस में, तो पैरेलल के केस में जब रेजिस्टेंस 20 गुणे 20 बटा 20 प्लस 20 कितना हो जाएंगे रेजिस्टेंस 10 ओम। अब यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे आई बराबर वी अपन आर से, वोल्टेज कितना 48, रेजिस्टेंस 10 है यानी 4.8, यानी करंट की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी 4.8।
अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 20 ओम है, यहाँ पे भी 20 ओम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, सेम डिवाइड हो जाएगी। तो करंट जब सेम डिवाइड हो जाएगी तो चार अब डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे देंगे, यानी 2.4 इधर भी और 2.4 इधर भी करंट आएंगे, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन का रीज़न नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उसको रीज़न के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स।